हर मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य के बिना उसका जीवन व्यर्थ होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, वह अपना जीवन तो जीता है, परंतु यहां वहां भटकता रहता है। दूसरी ओर जीवन में लक्ष्य होने से मनुष्य को पता होता है कि उसे किस दिशा की ओर जाना है। इन सभी तथ्यों को हम आपके समक्ष संक्षिप्त में रखेंगे तथा बताएंगे कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। यजुर्वेद में कहा गया है कि हम धर्म पर चलते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करें। इसका सदाचार ही एकमात्र उपाय है। मनुष्य का जन्म और उसके कर्म दोनों कर्मफल पर आधारित हैं। जन्म से मृत्यु तक, अर्थात जब तक यह जीवन है तब तक वह कुछ न कुछ शारीरिक या मानसिक कर्म करता रहता है। कर्म किए बिना एक क्षण भी रह पाना असंभव है। सत्य तो यह है कि मनुष्य को जीवन कर्म करने के लिए ही मिला है। यह बात अलग है कि वह कर्म सत्कर्म हो या दुष्कर्म। विज्ञान का यह सिद्धांत सर्वप्रसिद्ध है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और प्रत्येक कार्य का एक परिणाम होता है। उसी प्रकार हर कर्म का भी कर्मफल अवश्य होता है। यह सारा संसार अनेक निश्चित नियमों और सिद्धांतों पर चल रहा है। परम पुरुष परमात्मा ने मनुष्य को इस संसार में लोकहित के कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने का आदेश दिया है, परंतु वह लोकहित को भूलकर अपने स्वार्थ एवं अहंकार पूर्ति की दिशा में अपने कर्मों को नियोजित कर देता है। इसी के परिणाम स्वरूप मनुष्य इस विकारग्रस्त कर्म का फल भोगते हुए दारुण दुख प्राप्त करता है। अब मन में यह विचार उठ सकता है कि हम किस प्रकार के कर्म करें, संसार के प्रति उपकार करने का क्या अर्थ है और इस संसार का भला आखिर क्यों करें। वस्तुतः दूसरों की भलाई में ही हम सबकी भलाई है। यदि हम सदैव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना सौभाग्य है, तो परोपकार करने की इच्छा प्रेरणा शक्ति के रूप में समस्त जगत पर छाई रहेगी। इस प्रकार किए गए कर्म स्वार्थ रहित होने से निष्काम कर्म कहलाते हैं। उसकी सफलता या असफलता मनुष्य को न तो अहंकारी बनाती है और न ही कोई दुख देती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हे तुर्भो माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका भावार्थ है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। इसलिए निष्काम होकर कार्य करना चाहिए और ईश्वर की भक्ति में भी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर मनुष्य को कर्म में सफलता न मिले तो वह समझता है कि सफलता के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं हुआ। ऐसे में वह पुनः दुगने मनोयोग से कर्म करता है। इस प्रकार वह कर्म मनुष्य के लिए नहीं होता और न कर्म के प्रति उसे आसक्ति होती है। वह केवल अपना कर्तव्य समझकर उसे पूर्ण करता है। जब अपना कोई स्वार्थ नहीं होता तो आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना प्रकट होती है। सबके लाभ में ही उसे अपना लाभ दिखाई देता है, जबकि ऐसा सोचना गलत है। जब मनुष्य ईश्वर भक्ति व कर्म को सही तालमेल बनाकर जीवन व्यतीत करता है तो वह पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।
तब तक के लिए जय जय श्री राम।